संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय होता है जिसके दो पेपर होते हैं, पहला पेपर 250 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 250 नंबर का होता है। नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव आपका आज के सेशन में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय होता है जिसके दो पेपर होते हैं, पहला पेपर 250 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 250 नंबर का होता है। हिंदी भाषा और साहित्य को अगर हम वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं तो उसके दूसरे पेपर में का सिलेबस क्या होता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हमें को ये जानना होगा कि दूसरे पेपर हिंदी भाषा और साहित्य का जो दूसरा पेपर होता है उसमें पद्य साहित्य और गद्य साहित्य के बारे में को समाहित किया गया है, जिसमें UPSC ने ये स्पष्ट किया है कि हम आपको पद्य साहित्य या गद्य साहित्य से संबंधित जो भी सवाल पूछेंगे उसमें आपकी दृष्टि आलोचनात्मक होंगी, आप एक भक्तिभाव से इसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसको एक क्रिटिकल स्टाइल क्रिटिकल संदर्भ में उसको देखेंगे, आलोचनात्मक संदर्भ में आप उसको देखेंगे। अगर हम कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर को क्यों पढ़ते हैं, 14वीं-15वीं शताब्दी का कोई कवि, या तुलसीदास को अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, जायसी को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, और अगर जायसी को अगर हम आज पढ़ रहे हैं अर्थात 2024 में पढ़ रहे हैं तो जायसी के उस रचना का 2024 में क्या प्रासंगिकताएँ हो सकती है, या कबीर की वाणियों का क्या प्रासंगिकता हो सकती है, या मैला आंचल जो एक आंचलिक उपन्यास है, मैला आंचल की आज का आज के संदर्भ में अर्थात अगर हम आज 2024 जब हम ये कहने जा रहे हैं कि भारत विश्व की तृतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, उस संदर्भ में 2024 में अगर हम बात करें कि गोदान में होरी का चरित्र जो है कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण करता है, अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आखिर यह समाज से किस तरह संबंधित है, वर्तमान समाज से किस तरह संबंधित है, या मैलाचल की जब हम बात करते हैं तो जो उसमें विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक संगठन हैं और राजनीतिक संगठनों के आधार पर उनके जो वैचारिक मतभेद हैं किसी भी शासन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के आधार पर पार्टियों का निर्माण होता है, यानी कि राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, और राजनीतिक दलों के निर्माण में सबका अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। तो अगर हम मैलाचल को पढ़ते हैं तो मैलाचल के समाज में जो एक आंतरिकता का समाज है, क्या पूर्णिया के उस मेरीगंज को जो कहानी का आधार बनाया गया है, क्या केवल वही मेरीगंज में ही यह समस्या है, भारत के अन्य राज्यों के अन्य अंचलों में भी ये समस्याएँ हैं। अगर हम दिव्या की बात करते हैं तो दिव्या जो कि एक स्त्रीवादी जो यशपाल की रचना है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम क्यों करते हैं, क्या जब संघ लोक सेवा आयोग अपने निबंध के पेपर में पूछता है कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना किसी भी राष्ट्र की प्रगति असंभव है, किसी भी देश की प्रगति असंभव है या संकटग्रस्त है, तो इसका मतलब ये हुआ कि UPSC ये जानना चाह रहा है कि स्टूडेंट के पास यह ज्ञान तो है कि स्त्रीवादी जो नारीवादी साहित्य का जो सृजन हुआ है, ये स्त्री के जो मुद्दे हैं वो स्त्री के मुद्दे के आधार पर हम दिव्या को किस रूप में देखते हैं। आज जब भारत सरकार ने नारी वंदन योजना या नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में जो महिलाओं को 33% मैंने आरक्षण प्रदान किया है लोकसभा विधानसभा राज्यसभा और अन्य निकायों में, कुछ राज्यों में तो पंचायती चुनावों में 50% तक के रिजर्वेशन है, तो ये आखिर क्यों है, तो हम इस आधार पर आज के सिलेबस को की बात करेंगे। हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे महाभोज, मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास को लिखा है महाभोज को, जब आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बावन दास दिखेगा, उसमें आपको दिखेंगे SP सक्सेना दिखेगा, और SP सक्सेना अब याद रखिए SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है मिस्टर सक्सेना, और मिस्टर सक्सेना
को मिस्टर सक्सेना को ये मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि जाइए जिस बस्ती में आग लगी है उस बस्ती के बारे में आप उस स्थिति का मुआयना करके आइए। मिस्टर सक्सेना वहाँ जाते हैं, वो एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हैं, और जब वो उसको मैंने उस पूरे घटनाक्रम की जांच करते हैं कि आखिर इस बस्ती में आग क्यों लगाई गई, क्या मुद्दा था, तो किस तरह राजनीतिक दल ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग करता, अर्थात किस तरह राजनीतिक दल प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है, जिसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी या तो उस राजनीतिक दल का कठपुतली बन जाता है या फिर उस राजनीतिक दल के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर थे और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, वो टीएन सेशन, उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा जाता रहा है कि टीएन सेशन जो नाश्ते में नेताओं को खाते थे। अर्थात यह आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि टीएन सेशन जिस वक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस वक्त उन्होंने भारत में जो लोकसभा और राज्यसभाओं सॉरी लोकसभा और विधानसभाओं का जो चुनाव होता है और वर्तमान कुछ दशकों में जो उसका राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है, राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है या बाहुबलियों का जो उसमें अधिक आया है, इनमें अधिकता उसमें आई है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है। और चुनाव आयोग, आप सुनते होंगे बहुत पहले कि बहुत सारे राजनीतिक दल कहते थे कि आने दीजिए, ये चुनाव से पहले जो भी सर्वेक्षण होता है जिसमें कहा जाता है कि फलना पार्टी वहाँ सरकार बना रही है या फलना पार्टी को बधक मिल रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, बैलेट से जिन्न निकलेगा। बैलेट से जिन्न निकलना मीन्स क्या कि मतलब बैलेट पेपर, मैंने इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप या तो बैलेट पेपर में धांधली करेंगे या अपने गुर्गों के द्वारा, जो उस नेता के जो गुर्गे होते हैं, जो चमचे और गुर्गे होते हैं, उनके द्वारा आप वहाँ के चुनाव जिस क्षेत्र में वो चुनाव हो रहा है, जिस बूथ पर वो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में आप मतपेटियों को बदल देते थे। बाद में भारत सरकार ने ईवीएम लाया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू हमने राजनीतिक सुधार किया। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि सिलेबस के विस्तृत चर्चा करने के से पहले मैं आपको मोटा मोटी आइडिया ये देना चाह रहा था कि साहित्य में अगर ये पूछा जा रहा है तो क्यों पूछा जा रहा है। और इस सिलेबस को जब 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 संघ लोक सेवा आयोग में जब इन, चूँकि बहुत सारी रचनाएं थी, बहुत सारे राइटर थे, फिर इन राइटर को ही क्यों लिया गया, इन रचनाकारों को ही क्यों लिया गया, इन रचनाकारों के कुछ एक रचना को ही क्यों लिया गया, क्योंकि उन रचनाओं को लेने के पीछे एकमात्र कारण था कि आप जब ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करते हैं, अर्थात जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद जब आप एक आईएएस के रूप में या एक आईपीएस के रूप में चुनकर जाते हैं या अन्य भारतीय सेवाओं जो अन्य केंद्रीय सेवाओं में चुनकर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जब आपके सामने कोई समस्या, जैसे आप एथिक्स में पढ़ते हैं तो आपको केस स्टडी दी जाती है, तो उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद आप अपने विवेक और संविधान क्या कहता है उसके आधार पर आप अपना निर्णय लेते हैं, अपना कदम उठाते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। तो विस्तृत चर्चा तो हम क्लास आपका लेना प्रारंभ करेंगे तो हम किसी भी राइटर की किसी भी रचना को हम बहुत एक विस्तृत प्लेटफॉर्म की मतलब विस्तृत रूप से हम उसकी चर्चा करेंगे, किंतु आज हम थोड़ा संक्षेप में ही चर्चा करें। संक्षेप में चर्चा करने के पीछे कारण यह है कि हमारा सिलेबस, कम से कम हम सिलेबस के बारे में समझ लें कि सिलेबस आखिर है क्या। और आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब दिन क्लास लूँ, मैंने मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं कंटिन्यू आपका क्लास लूँ और हम उसमें चर्चा करेंगे विभिन्न पेपर फर्स्ट के विभिन्न जो सेक्शंस हैं उनके बारे में और पेपर दो का जो विभिन्न सेक्शन है उसके बारे में। तो पेपर दो में जो है वो गद्य साहित्य, तो और मैंने जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में, जब सिलेबस को जब वो मतलब यूपीएससी ने जब इस सिलेबस को तैयार किया होगा तो उसमें उन्होंने पहले ही वर्ड में लिखा है, पहले ही जगह उन्होंने लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा
और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। मतलब ऐसे प्रश्न पूछे, आपको मूल टेक्स्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है और आपको तार्किक बनना है। आलोचनात्मक पद्धति का या आलोचनात्मक क्षमता का अर्थ ही होता है कि आप तार्किकता से बात करें, अंधविश्वास से बात नहीं करें, या फिर आप किसी के द्वारा वायस्ड होना यानी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के आप कोई निर्णय नहीं लें। आप जो भी निर्णय लें उसमें आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस, हिंदी में उसको बोलते हैं आलोचनात्मक, क्या ना, आलोचनात्मक समीक्षा उसकी करेंगे, आलोचनात्मक विवेचना करेंगे हम। तो इसके गद्य खंड क में जो पद्य साहित्य होता है, पद्य साहित्य को आमतौर पर कविता कही जाती है, कविता या वाणी। तो पहले पद और गद्य में सब अंतर समझ लीजिए। पद्य का अर्थ होता है कविता और गद्य का अर्थ होता है कहानी, उपन्यास या। तो इसके खंड प्रश्न पत्र दो के मैंने हिंदी वैकल्पिक विषय वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य में का जो प्रश्न पत्र दो है, प्रश्न पत्र दो हम बात करेंगे किसका, प्रश्न पत्र दो की, प्रश्न पत्र दो का हम इसकी बात करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा, तो पद्य साहित्य पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, पद्य साहित्य। पद्य साहित्य, पद्य साहित्य में हमको पढ़ना क्या है आपको यह देखना होगा, है ना। तो पद्य साहित्य में हमको पढ़ना है पहले कबीर को पढ़ना है, किनको पढ़ना है, कबीर को। और कबीर में भी, कबीर की जितनी भी वाणियां हैं वो विभिन्न खंडों में संकलित हुई है, लेकिन हमको उसमें कबीर ग्रंथावली की आरंभिक 100 पद तक ही पढ़ना है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अर्थात कबीर में कबीर ग्रंथावली पढ़नी है, कबीर ग्रंथावली। जिसके संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास। और इसकी, क्योंकि कबीर की वाणियां तो बहुत है, लेकिन कबीर की पूरी वाणियों को हमको नहीं पढ़ना है। कबीर की जो वाणियों को जो संकलित किया गया है, उस कबीर की वाणियों के आरंभिक हम लोग क्या करेंगे, इसके आरंभिक 100 पद पढ़ेंगे, 100 पद पढ़ेंगे। अब आप, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन साहित्य में, यानी कि मध्यकालीन भारत के कवियों में तुलसी या कबीर, क्योंकि हम कबीर की बात कर रहे हैं तो कबीर के बारे में बात करें, कि आपसे यह पूछा जाए कि मध्यकालीन कवियों में कबीर आज भी प्रासंगिक हैं क्यों, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, तो आपका उत्तर क्या होगा। इसके पीछे पढ़ाने के पीछे एकमात्र कारण यह है कि कबीर जिस समय में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा था समाज में, मध्यकालीन भारत में जिस वक्त मुगलिया सल्तनत हमारे देश पर काबिज था, उस समय में समाज में जो धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की कुरूतियाँ थी, अनेक प्रकार के सांप्रदायिक माने झगड़े थे जो उस समाज में थे, यानी कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के समाज में था, वह आज भी है। आज भी अगर इस देश में धर्म के नाम पर अगर कहीं हिंसा होती है, या जाति के नाम पर किसी को ऊंच या नीच घोषित किया जाता है, या धार्मिक आडंबरों के आधार पर लोगों के मौलिक अधिकार और मानवोचित यानी कि मानवाधिकार का जब हनन होता है,
तब हमें कबीर याद आते हैं। मुझे याद है कि जब मैं एमए का स्टूडेंट था तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्यकालीन कवियों में कबीर प्रासंगिक है, कबीर अत्यंत प्रासंगिक है, क्यों, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो मैंने यही कहा था कि कबीर जो उस वक्त कह रहे थे, अगर आज भी अगर इस देश में कहीं पे, अगर मैं उदाहरण देकर बात करूं कि अगर आज भी इस देश में गोधरा जैसे कांड, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे, या दिल्ली में जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे, अगर आज भी यह दंगा हो रहा है तो हमें यह रुक कर सोचना होगा कि कबीर आज भी प्रासंगिक क्यों है। अगर गोधरा जैसे कांड, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे, या फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2-3 साल पहले ही वो घटना घटी थी जहां धर्म के आधार पर लोगों के साथ क्या नाम है मारपीट की गई थी, मॉब लिंचिंग की गई थी, और मॉब लिंचिंग के बाद क्या नाम है उसको पूरा राजनीतिकरण किया गया था। तो कबीर की जो कबीर ग्रंथावली जिनके संपादक श्याम सुंदर दास हैं, उनके जब आरंभिक पद आप पढ़ेंगे तो कबीर के उन पदों को आप पढ़ेंगे जो आज के माने आज के समाज में भी जो प्रासंगिक है, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ाने के संदर्भ में बताऊंगा, अभी बोलूंगा तो फिर एक लंबा सेशन हो जाएगा, और चूंकि हमारे अपने शब्द हमारी अपनी सब समय सीमा है, हमको उस समय सीमा के अंदर ही आज पूरा डिस्क्राइब करना है आपके इस सिलेबस को। तो पहले पे माने प्रश्न पत्र 2 के पद्य साहित्य में हमको कबीर को पढ़ना है, कबीर ग्रंथावली पढ़नी है। कबीर ग्रंथावली में श्याम सुंदर जिसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं और जिनके आरंभिक 100 पद पढ़ने हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या हम कर देंगे आपको। दूसरा पढ़ना है सूरदास। और सूरदास का क्या चीज पढ़ना है, तो भ्रमर गीत। क्या पढ़ना है, भ्रमर गीत सार या भ्रमर गीत सार, जिसका हमको 100 जो आरंभिक 100 पद हैं, आरंभिक 100 पद वो पढ़ना है। और इसके संपादक कौन हैं, तो इनके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास आपको क्यों पढ़ना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी, मैं यहाँ एक मिनट रुकूंगा। आप पूछेंगे कि सर हमको ब्यूरोक्रेट्स बनना है, हमको IAS बनना है, IPS बनना है, हमको क्या नाम IRS बनना है, हमको IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में जानी है, अगर हमको इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है, या हमको इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाना है, या हमको IRTS बनना है, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज में जाना है, तो ये सूरदास के भ्रमर गीत सार को हम क्यों पढ़ें, क्या मतलब है इसको पढ़ने का। तो मतलब क्या है, जब इसको पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार को, जब आप पढ़ेंगे तो भ्रमर गीत सार में होता क्या है कि जो गोपियां हैं और उद्धव जो हैं, उन दोनों के बीच संवाद होता है, अर्थात दोनों के बीच बातचीत होती है। कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके हैं और यहाँ गोपियां जो हैं वो कृष्ण को याद कर रही हैं। तो कृष्ण जो है अपने दूत को भेजते हैं, दूत मीन्स ब्यूरोक्रेसी के किसी आदमी को भेजते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के आदमी के पास कहते हैं कि भाई आप लोग आंदोलन क्यों किए हैं, या आप धरना पर क्यों बैठे हुए हैं। और वह गोपियां कह रही है कि मुझे कृष्ण से मिलना, आई वॉन्ट टू मीट गॉड कृष्णा, मतलब मैं कृष्ण से मिलना चाहती हूँ, और मैं मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ जो भी समस्याएं हैं, वो उसकी बात मैं कृष्ण को बोलूंगी, आपको नहीं बोलूंगी, है ना। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट समझाने की कोशिश की, उद्धव जो यहाँ पे अगर हम आधुनिक संदर्भ में बात करें तो उद्धव जो है एक ब्यूरोक्रेट्स है, यानी कि उद्धव एक जो है प्रशासनिक सेवक, प्रशासनिक अधिकारी के अधिकारी हैं, वो जाते हैं और उनको समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। तो तब भी गोपियां नहीं मानती है, तो गोपियां अगर नहीं मानती है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत बार आपको जब आप इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज की परीक्षा जब पास करके जब आप IAS या IPS के रूप में चुने जाते हैं, और जब शासन और जनता के बीच का जो संवाद है, शासन में बैठे हुए जो लोग हैं
वो और आम जनता जो है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि आप आम जनता को शासन की जो मतलब हमारे सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उनको मुख्य जोड़ करके उनको मुख्य धारा में लाएं और मुख्य धारा में ला करके उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। जब हम 18 साल 20 साल या 32 साल अगर नौकरी कर लेते हैं एज IAS, तो फिर जब हम कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, जब हमको कानून बनाने का बनाने के लिए बोला जाता है PMO के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, कि ठीक है आप ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान आप किस रूप में खोज सकते हैं। तो जब आप वहाँ कानून बनाते हैं, तो जो आप ग्राउंड लेवल से यानी कि एज एन IAS ऑफिसर, जब आप जिला से होते हुए जब आप क्या नाम है कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनते हैं, तो उस दौरान आप शासन के विभिन्न रूपों को जब देखते हैं और जो आपको ग्राउंड पर जो अनुभव हुआ रहता है कि अच्छा यहाँ ये समस्या है, उस समस्याओं को जो आप केंद्र में जब नीति बनाते हैं वहाँ आप यह ज्ञान आपको वहाँ काम देता है। सूरदास के भ्रमर गीत सार को जो इसमें शामिल किया गया है, उसके पीछे एकमात्र कारण यही रहा है कि इसमें शासक और आम जनता के बीच का जो संबंध है, उन दोनों के बीच का जो वार्तालाप है, उन दोनों के बीच के वार्तालाप को जिसमें गोपियाँ उलाहना देती हैं उद्धव को कि मुझे आप ये क्या नाम है ये लंबी लंबी लक्ष्यदार बातें मत कहिए, हमें कृष्ण से मिलना है, मैं उनसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ। और यह व्याकुलता जो अर्थात बहुत बार ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर जैसे मान लीजिए अभी आप देख सुन रहे होंगे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि हमारे फसलों पर MSP लागू कीजिए, सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भेजते हैं उनको समझाने बुझाने के लिए, लेकिन तब भी किसान जो हैं अड़ गए रहते हैं कि नहीं हम तो क्या नाम है हमको ये मांग है, हमारी ये मांग है, हमारी पूरी होनी चाहिए। तो उस स्थिति में आप कैसे इस चीज़ों को हैंडल करेंगे, भ्रमर गीत सार के तहत आप इसको समझेंगे। इसे आप केवल गीत के रूप में मत पढ़िए, इसको आपको पढ़ना हो ब्यूरोक्रेसी के स्टाइल में पढ़िए। इसीलिए जब UPSC ने जब इस सिलेबस को ड्राफ्ट किया होगा, जिस वक्त इसको ड्राफ्ट किया होगा, तो इसीलिए उसमें पहले शब्द में ही लिख दिया गया है कि इसमें आप मूल टेक्स्ट को पढ़िए लेकिन आपकी दृष्टि आलोचनात्मक होनी चाहिए। मतलब यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस वाला बुद्धि होना चाहिए, आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें। इसलिए आप भ्रमर गीत सार को क्रिटिकल एनालिसिस के संदर्भ में पढ़ेंगे। तीसरा है तुलसीदास। तुलसीदास और तुलसीदास में भी क्या पढ़ना है हमको, रामचरितमानस का रामचरितमानस का आपको क्या पढ़ना है, सुंदर कांड और कवितावली पढ़नी है आपको। कवितावली में क्या पढ़ना है आपको, कवितावली, और कवितावली में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कवितावली में केवल उत्तर कांड ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, उत्तर कांड पढ़ना है आपको। कांड इसे भी लिखा जाता है, इसे भी लिखा जाता है। आप गौर करेंगे कि बहुत बार क्या होता है कि जब विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के आधार पर जब देश में राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है, या विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के आधार पर जब लोग किसी संत को या किसी भी समाज सुधारक को या किसी भी कवि या रचनाकार को जब अपने तर्कों के घेरे में ला करके उनको आलोचना के केंद्र में लाते हैं, तो उनके पीछे उनका अपना तर्क होता है, जब वो तर्क देते हैं तो उसी तरह आप गौर करेंगे कि राम के लिए एक आदमी ने नहीं केवल नहीं लिखा, आदि कवि केवल वाल्मीकि ही ने नहीं लिखा है, इस देश में रामायण को लेकर के यानी कि राम के चरित्र को लेकर के बहुत राइटरों ने लिखा है, मैथिली साहित्य में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है,
काव्यखंड काव्य के माध्यम में लिखा है, पूरे देश में अनेकों रामायण के अनेकों वर्जन लिखे गए हैं, लेकिन तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखते हैं तो यह अवधि भाषा में लिखा गया है। और मैं जो भी आपको उदाहरण दे रहा था कि विचारधाराओं के आधार पर जब किसी को घरे में खड़ा किया जाता है, तो बहुत बार आप सुनते होंगे कि जो दलित साहित्यकार होते हैं वो दलित साहित्यकार हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जब रामायण की रचना किए थे तो उसमें शंबुक नाम के चरित्र को राम के द्वारा, माने भगवान राम, या आप इसे डायरेक्ट राम कहें तो राम के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। क्यों हत्या कर दी जाती है? क्योंकि वो जो शंबुक है वो दलित पात्र है, और दलित पात्र है तो क्या नाम है, दलित होने के नाते उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन तुलसीदास में, तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखते हैं तो रामचरितमानस में कहीं भी शंबुक का कोई प्रकरण नहीं है। अर्थात बदलते समय के साथ समाज में जो समाज की जो सोच अगर रूढ़ हो चुकी है या जर्जर हो चुकी है, जिसका आधुनिक संदर्भ में कोई उपयोग नहीं है, तो हमें उन चीज़ों को हटा देना चाहिए और नए विचारों को समाहित करना चाहिए। इसीलिए जब तुलसीदास के रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस केवल आपको राजा के चरित्र के बारे में नहीं बता कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए तो होना ही चाहिए, राज्य का भी क्या चरित्र होना चाहिए अर्थात शासन पद्धति की क्या चरित्र होनी चाहिए, इस पर भी बात करता है। तो हम तुलसीदास को जब पढ़ेंगे तो रामचरितमानस के सुंदरकांड को पढ़ेंगे, और उनकी दूसरी रचना जो कवितावली है उसके हम उत्तरकांड को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा पद्मावत। किसकी पढ़ेंगे? तो जायसी की। जायसी की जो रचना है, जायसी की रचना पढ़ेंगे हम पद्मावत। पद्मावत, और पद्मावत में भी हम क्या पढ़ेंगे? सिंघल द्वीप खंड, सिंघल द्वीप खंड, खंड और नागमती वियोग खंड, और नागमती वियोग खंड, वियोग खंड। आप पद्मावत को जो पढ़ेंगे, मैं पद्मावत की जब बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई थी पद्मावती, है ना। उस जब पद्मावती को बनाया जा रहा था तो इस देश में खूब हंगामा हुआ। पद्मावती के लिए जो सेट बनाए गए थे उस सेट पर जाकर के लोगों ने उस सेट को, सेट पर मतलब उस फिल्म में काम करने वाले जितने भी कलाकार थे उस कलाकारों के साथ मारपीट की, निर्देशक के साथ मारपीट की, और क्या नाम है पूरे क्या बोलते हैं उसको, ये सेट को तोड़फोड़ दिए थे। क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि आप पद्मावत जो है उसको आप पद्मावती के नाम से क्यों बना रहे हैं, और पद्मावती के नाम से अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप यह क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि पद्मावती का जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसके साथ का जो क्या नाम है संवाद है, या पद्मावती के रूप को देख करके जब वो पगला जाता है, यानी कि वो माने विक्षिप्त सा हो जाता है, और नागमती को पाने के लिए वो राजा रतन सेन के साथ क्या नाम है राजा रतन सेन को धोखे से बुला करके ये कैद कर लेते हैं, फिर किस तरह सारा प्रोसेस चलता है, और अंत में रतन सेन वहाँ से निकाले जाते हैं। फिर जब इसमें पढ़ेंगे आप तो उसमें पढ़ने के दौरान आप पढ़ेंगे कि रानी मतलब पद्मावती के लिए, ये रानी नागमती वियोग खंड जब मैं बोल रहा हूँ तो ये ध्यान रखिएगा, राजा रतन सेन की पहली पत्नी नागमती है, लेकिन राजा रतन सेन क्या करते हैं, पद्मावती से प्यार करते हैं, और पद्मावती से जब प्यार करते हैं, क्योंकि पद्मावती उस समय के सबसे सुंदर औरत मानी जाती है, और राजा मतलब रतन सेन जो है इनको पाने के लिए
क्या नाम है, नागमती को छोड़ करके पद्मावती को पाने के लिए, पद्मावती उनकी पत्नी बनती है। और जब उसी समय जब जायसी लिख रहे हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब क्या नाम है यह सुनता है कि क्या नाम है पद्मावती जो बहुत सुंदर स्त्री है तो उसको पाने के लिए वो राजा रतन सेन के साथ रतन सेन को पहले लोभ देते हैं, फिर उसके बाद युद्ध होता है और अंत में क्या मिलता है, जब राजा रतन सेन धोखे से जब उसको मार देते हैं तो रानी पद्मावती जो है अन्य नारियों के अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लेती है। जौहर करने का अर्थ होता है अपने आप को जला लेती है, आग में ये देती है। और वहाँ पे एक बड़ा ही मार्मिक संदर्भ है, मार्मिक संदर्भ ये है कि कहते हैं कि माने जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी इतना व्याकुल हुआ, जब वह नाग माने पद्मावती के पास पहुँचते तब तक उनको पद्मावती के शरीर नहीं उनका राख मिलता है। और यह जो है यहाँ पे आप आलोचनात्मक दृष्टि अपनाएंगे, जैसे आप बहुत बार बहुत चीज़ सोचते हैं और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए वही चीज़ दूसरे के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट या उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जायसी को हम इन संदर्भ में पढ़ेंगे, जायसी को पढ़ेंगे, फिर विरेचन का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम त्रासदी का सिद्धांत पढ़ेंगे। त्रासदी का सिद्धांत क्या होता है, सो जब काव्यशास्त्र पढ़िएगा आप तो काव्यशास्त्र में खास करके पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़िएगा, तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी पढ़ाऊंगा, भारतीय काव्यशास्त्र की भी विधियों को भी पढ़ाऊंगा, और बाद में आधुनिक काल में जो क्या नाम है दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है उसके आधार पर भी मैं आपको उस चैप्टर की व्याख्या करूँगा। तो अभी आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जायसी की जो पद्मावत है उस पद्मावत में पढ़ना है हमको सिंगल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड जो है उसको पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है बिहारी को, एक राइटर रहे हैं बिहारी, एक रचनाकार रहे हैं बिहारी, कवि रहे हैं बिहारी, तो बिहारी को पढ़ेंगे हम। और बिहारी में भी बिहारी के किन को पढ़ेंगे हम, तो बिहारी रत्नाकर, बिहारी जो लिखे हैं उनका जो है वो है बिहारी रत्नाकर। और बिहारी रत्नाकर में हमको क्या पढ़ना है, आरंभिक 102 ये पढ़ने हैं, अर्थात आरंभिक, मैं यहाँ आ कर दे रहा हूँ तो इसका आप समझ जाएंगे कि आरंभिक 100 पद पढ़ना है आपको, 100 पद पढ़ना है जिससे आपको व्याख्या पूछी जाती है या कई बार डायरेक्ट। ये इसके संपादक कौन है, तो इनके संपादक इनके हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दास रत्नाकर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहारी के जस्ट बाद हम आते हैं मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती पर, हम उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त के, उसका हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त हम कौन पढ़ते हैं, भारत भारती, याद रखिएगा भारत भारती। और एक चीज और, जब मैं आपको यह पढ़ाऊँ, जब मैं आपसे अगले क्लास में जब मैं चर्चा करूँगा, अभी तो मैं केवल सिलेबस की चर्चा कर रहा हूँ, जब मैं आपसे मूल खंड को जब पढ़ने के दौरान हम आपको रिलेट करवाते जाएंगे कि मैथिली शरण गुप्त में, गुप्त के समय जब मैथिली शरण गुप्त भारत भारती लिख रहे थे उस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, उनके बारे में, अर्थात जब आप किसी रचनाकार को पढ़ते हैं तो उस रचनाकार के समय का जो तत्कालीन समाज है, उस तत्कालीन समाज में किस प्रकार के उथल पुथल हो रहे थे, किस प्रकार की सामाजिक नीतियाँ थी या सामाजिक व्यवस्थाएँ थी, आर्थिक नीतियाँ थी, राजनीतिक व्यवस्थाएँ थी, उनकी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमको मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती को ही पढ़ना है, यूपीएससी में मैथिली शरण गुप्त ने और भी रचनाएं लिखी हैं लेकिन हमें केवल भारत भारती को पढ़ना, और भारत भारती को पढ़ने के संदर्भ में हम उसको रिलेट करेंगे देशभक्ति से, देश प्रेम से,
और क्या नाम है, उस वक्त के समाज में जो चीज़ें जिस तरह के परिवर्तन हो रहे थे उस परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा और फिर मैं कोशिश करूँगा कि कल से जब मैं आप लोगों का नियमित जब सिलेबस के बारे में चर्चा आज समाप्त कर देंगे, कल से जब नियमित हम चर्चा करेंगे तो पीपीटी के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो मैं फिलहाल अभी इसको मिटा रहा हूँ। उसके पास पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट आएंगे मैथिली शरण गुप्त के बाद हम आएंगे किस पर, तो जय शंकर प्रसाद पर, जय शंकर प्रसाद। और आपको सुन के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि जब इस माने संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा के लिए जब हिंदी भाषा और साहित्य का जब सिलेबस तैयार किया जा रहा था तो उस वक्त जो लोग भी सिलेबस को तैयार करने वाली समिति में थे लोगों ने बहुत अच्छा सिलेबस इसलिए तैयार किया कि आप विभिन्न खंडों को पढ़ते हैं, अर्थात हम शुरू करते हैं कहाँ से, कबीरदास से या सूरदास से, और हम बात तभी आ गए तुरंत आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त में और अंत में आ जाएंगे नागार्जुन पे। अर्थात हम आरंभिक काल के इतिहास से लेकर के मध्यकालीन इतिहास में आते हैं, सूफी साहित्य में आते हैं, और सूफी साहित्य के जस्ट बाद हम फिर आते हैं क्या नाम है नवजागरण के काल में, फिर उसके बाद आते हैं राष्ट्रवाद का जो प्रथम चरण का काल है उस काल में, और उसके बाद राष्ट्रवाद का जो द्वितीय चरण है उस द्वितीय चरण में जो साहित्यकार लिख रहे थे उसके बाद, और उसके बाद क्या होता है जब हमें आज़ादी 1947 में जब हमें आज़ादी मिलती है तो आज़ादी के बाद जब शासक तो बदल गए रहते हैं लेकिन शासक के बदलने के साथ साथ लोगों के जीवन में कोई अंतर तो हुआ नहीं रहता है। तो लोगों के जीवन में जब अंतर नहीं होता है तो उस वक्त जो कवि लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे, आपको मालूम होगा कि इस देश में आपातकाल भी लगा था, और आपातकाल जब लगा था तो आपातकाल में लोगों के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, जो विपक्ष के नेता थे उनको जेल में बंद कर दी गई थी, उन सभी लोगों को बंद कर दिया गया था। तो जब बंद कर दिया गया था तो उस वक्त कवि जो है इंदिरा गांधी को क्योंकि इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी तो इंदिरा गांधी को संबोधित करते हुए बड़ा ही आक्रोशित कविता लिखते हैं जिसमें आक्रोश भरा हुआ है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नागार्जुन तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि इंदू जी इंदू क्या हुआ आपको, भूल गए बाप को। तो ये पढ़िएगा, फिलहाल अभी हम चर्चा करें केवल सिलेबस में। तो सिलेबस में है कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में जयशंकर प्रसाद आते हैं, और जयशंकर प्रसाद में हम किस में आते हैं तो केवल कामायनी पे। जयशंकर प्रसाद ने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है, फिर हम कामायनी, उनकी जो कविता है कामायनी, कामायनी के केवल चिंता और श्रद्धा सर्ग को ही पढ़ेंगे हम, चिंता और श्रद्धा है ना, श्रद्धा सर्ग को ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में यही है, बाकी सर्ग को हम जो और चार सर्ग है उसको हम छोड़ देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज आएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में भी हम क्या पढ़ेंगे, राग विराग। इनका एक काव्य संग्रह है राग विराग, है ना, हम उसको पढ़ेंगे राग विराग। और राग विराग में भी किसको पढ़ेंगे हम, राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता,
राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा पूजा और कुकुरमुत्ता, और कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक है रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी। अब बताइए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, फिर राम की शक्ति पूजा ही क्यों लिखे हैं? और राम की शक्ति पूजा को ही, राम की शक्ति पूजा को ही यूपीएससी के सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, या कुकुरमुत्ता को ही क्यों शामिल किया गया है? जबकि उनकी जो अपनी बेटी थी, जब उनकी अपनी जवान बेटी मर गई थी, तो उन्होंने सरोज स्मृति लिखा है, और उसमें उन्होंने पहली पंक्ति यही क्या कि दुखी जीवन की कथा रही, मेरे जीवन की कथा, उस वक्त के जो कवियों के जीवन की कथा, मतलब कि उनके जीवन की स्थिति ऐसी रही कि उनके पास खाने को पैसे नहीं होते थे, पहनने को वस्त्र नहीं होते थे, अर्थात काफ़ी निर्धनता में वो लोग जीते थे, और वो अपनी बेटी को आधार बना करके सरोज स्मृति भी लिखते हैं। लेकिन सरोज स्मृति को यूपीएससी के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, यूपीएससी के सिलेबस में शामिल किया गया किसकी? राम की शक्ति पूजा को। और राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, मुझे याद है जब मैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा के द्वारा जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझसे ये पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा को आप किस संदर्भ में देखते हैं? तो मैंने कहा, मेरा उत्तर यह था कि जब जैसे आपने पढ़ा होगा राम, क्या नाम है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत या आध्यात्मिक साहित्य के अंतर्गत जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, तो उसमें एक मंत्र है, मैंने एक सूक्ति है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत परित्रणाय साधूनां दुष्कृत परित्रणाय साधूनां, मतलब मैं चूंकि श्लोक को थोड़ा मिस कर रहा हूँ, तो मतलब जब जब इस देश में धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। अब बताइए कि 2017 में राम की शक्ति पूजा को हम क्यों पढ़ते हैं? श्रीमद् भागवत गीता बहुत पहले लिखे गया है कि यदा यदि धर्म सद्ग्लानि भवति भारत उत्थानाम परित्रणाय साधूनाम। तो जब हम करते कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधु यहाँ पे कौन है? अर्थात जब जब इस देश में धर्म की हानि होती है, तो मैंने उत्तर दिया था कि जब जब कोई व्यक्ति भारत के संविधान के साथ या भारत के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, तब तब भारत का जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें आप एक आईएएस के रूप में जब आप चुन कर जाते हैं या आईपीएस के रूप में जाते हैं, तो आप भारत के संविधान के अनुसार उस पर कार्रवाई करते हैं और उनको आप अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट करने के बाद उनको आप उन पर जो भी कानून भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो भी उन पर धाराएं लगती हैं, उन धाराओं को लगाने के बाद उन्हें आप जेल करते हैं। अर्थात जब भी राम की शक्ति पूजा का मूल अर्थ भी यही है कि एक व्यक्ति है जो आया है, जो जिनके पास राम क्या है? राम, अगर राम को हम भगवान न भी माने एक सेकेंड के लिए, अगर हम आप कहेंगे कि साहित्य में अगर हम उसको ईश्वरीय रूप न माने, केवल हम यह माने कि राम जो है एक व्यक्ति हैं, तो राम ये शक्ति पूजा क्यों करते हैं? शक्ति की उपासना ही क्यों करते हैं? राम शक्ति की उपासना क्यों करते हैं? आपको ये भी समझना होगा कि राम की शक्ति की उपासना के पीछे मूल कारण क्या रहा है। तो राम जबकि शक्तिमान है, आध्यात्म साहित्यों के अनुसार राम भगवान है, अगर हम आध्यात्म साहित्य को अगर एक मिनट के लिए नहीं भी माने, हम दूसरे ही पल कहें कि राम एक व्यक्ति हैं जो शक्ति की पूजा करता है। शक्ति की पूजा करने का आधुनिक संदर्भ क्या है कि जैसे हम और आप एक छोटे शहर से निकलकर आते हैं, और निकलने के बाद हम यूपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करने के बाद हम भारत के संविधान, भारत के की राज व्यवस्था, भारत की राजनीति, भारत के भूगोल, विश्व का भूगोल, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास,
नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठता इत्यादि जब चीज़ों को पढ़ लेते हैं, अपने सिलेबस को पढ़ने के बाद जब हम सेलेक्ट होकर आते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने इस जब आप निराला के इस कविता को पढ़ेंगे, राग विराग में के अंतर्गत आया हुआ है, तो राम की शक्ति पूजा को जब पढ़ेंगे तो राम पहले समुद्र पार करने के लिए राम पहले अरुण विनय करते हैं, और अरुण विनय के संदर्भ में समुद्र जो है वो उनको रास्ता नहीं देता है, तो फिर वो क्या करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, और दुर्गा की उपासना करने के बाद अंत में फिर तीर लेके निकलते हैं, और जैसे तीर लेकर के समुद्र को सुखाने के लिए वो तीर का संधान करने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त समुद्र फिर सामने खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे सुखाइए मत, अन्यथा क्या होगा, जो समुद्र के अंदर जो माने के समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं उनका जीवन जो है संकट में पड़ जाएगा, वो लोग मर जाएंगे, और आप पढ़ते हैं पर्यावरण और क्या नाम है ये पर्यावरण में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पर्यावरण में पारिस्थितिकी की भी पढ़ते हैं, आपकी जैव पारिस्थितिकी भी एक चीज़ होता है, तो जब आप वहाँ पे जब इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम के संदर्भ में हम उसको तब इकोसिस्टम के संदर्भ में देखेंगे। और कुकुरमुत्ता जो है वह सर्वहारा वर्ग बनाम पूंजीपति वर्ग के बीच का जो आपसी संवाद है, उस संवाद को कुकुरमुत्ता में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए आप दोनों को पढ़ेंगे, राम की शक्ति पूजा को पढ़ेंगे कि एक आदमी अगर चाह ले कि अपने सामर्थ्य से वह शक्ति को प्राप्त कर सकता है तो इसका लोकतांत्रिक समाज में क्या अर्थ है, लोकतांत्रिक जीवन में जाओ, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले समाज में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में रह रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक आम आदमी अगर ठान ले कि हमको IAS बनना है तो वो क्या करेगा, किताबों को पढ़ना प्रारंभ करेगा, सिलेबस को जानने का तैयारी करना प्रारंभ करेगा, और अंततः वो IAS बन जाता है, और अंततः IAS बनने के बाद या IPS बनने के बाद वो फिर क्या करता है, भारत के संविधान के अनुसार जब उनकी ट्रेनिंग होती है लवासना में या सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में, तो वहाँ से जब आते हैं और जब उनकी पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में, जो भी स्टेट उनको मिलता है कैडर के रूप में, उस स्टेट में फिर वो जब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखते हैं और समाज में शांति स्थापित करते हैं। कहने का हमारा भावार्थ ये था कि किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमको यह देखना पड़ेगा कि अगर यह सिलेबस में दिया गया है तो क्यों दिया गया, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि आधुनिक संदर्भ में इसका क्या महत्व है, और इसका ब्यूरोक्रेसी के रूप में अर्थात प्रशासनिक जो दैनिक जीवन का प्रशासन है, उस प्रशासन में उसका क्या उपयोग हो सकता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, और रामधारी सिंह दिनकर में भी हम किसको पढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे, और उसमें भी हम रामधारी सिंह दिनकर में केवल और केवल पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र को पढ़ेंगे। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के और भी जो कविताएं हैं उनके बारे में बात करूंगा, उनके लेखन शैली के बारे में बात करूंगा, उनके लेखन शैली में किस प्रकार का बिंब है, किस प्रकार का शिल्प है, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है वह राज्य की प्राप्ति के लिए पांडव और कौरवों के बीच लड़ाई होती है, कृष्ण जो है वो मध्यस्थता की भूमिका में आते हैं। जैसे आज के डेट में अगर दो देशों के बीच में अगर कोई युद्ध होता है या दो राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो देशों के संदर्भ में हम किसी न किसी संगठन के माध्यम से उन देशों को समझाते हैं, राज्यों के संदर्भ में हम क्या करते हैं कि देश में जो भी प्राधिकरण बने हुए हैं केंद्र राज्य संबंधों के तहत जो प्राधिकरण बने होते हैं उस प्राधिकरण के तहत हम उस समस्या का समाधान खोजते हैं। कुरुक्षेत्र कृष्ण चाहते थे कि युद्ध ना हो, और उस वक्त कोई भी चाहता था नहीं युद्ध नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो संधि का प्रस्ताव लेकर कृष्ण जाते हैं तो कहते हैं कि तुम
क्या नाम है, हमको बस 5 ग्राम दे दो, 5 ग्राम यानी कि तुम मुझे बस 5 गांव ही दे दो, हम उसी में खुशी से खाएंगे, परिजन पे हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज को ले का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। तो यह जो आप कविता पढ़े होंगे बचपन में या अभी जब आप तैयारी करना प्रारंभ किए होंगे तो पढ़ेंगे, तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का अर्थ है कि जब आप किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन करेंगे तो यह देश, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप जब एक IAS या IPS के रूप में चुनकर जाएंगे, जब जिला में आपकी पोस्टिंग होगी तो आप, आपको बहुत सारे जमीन के विवाद आएंगे आपके पास कि सर हमारा जमीन का ये विवाद है, हमारे चाचा ने, हमारे ताऊ ने, हमारे पड़ोसी ने हमारे जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और हम जो मांगने जाते हैं हमको वो क्या नाम है कहता तुमको मार देंगे, तुमको काट देंगे, तो सर आप इस पर क्या नाम है कार्रवाई कीजिए। और फिर आप क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट जो होते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट SDO साहब को या नहीं तो फिर क्या नाम है BDO साहब को या फिर CO साहब को बोलते हैं कि जाइए और इस समस्या का समाधान कीजिए, और फिर उस व्यक्ति को उसका अधिकार दिलवाते हैं। कुरुक्षेत्र होना नहीं चाहिए था, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कब को कभी भी सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये कहा जाता है। जब आप पढ़ेंगे आगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो जब इनको डिस्क्राइब करूंगा तो मैं और आगे आपको एक आगे ही पढ़ाऊंगा, तो उसमें अंधा युग पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो अंधा युग में आप जानेंगे कि अंधा युग में ये कहा भी गया है। अंधा युग की जो रचना की गई है, जब महाभारत के 17 दिन का जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जब 18वां दिन जो युद्ध के 18वें दिन में, जब आप सभी को मालूम है महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से ये कहलवाया था कि अस्वस्थामा हतो हतो नरो वा कुंजरो, और जैसे ही नरो वा कुंजरो का होता है तभी तक क्या नाम है युद्ध के समाप्त होने की दफली बजा दी जाती है। द्रोणाचार्य को ये सुनाई नहीं पड़ता है कि अश्व या व्यक्ति कौन मारा गया या नहीं जानता, उनको लगता है कि व्यक्ति मारा गया नहीं, यानी कि उनका खुद का पुत्र मारा गया, और वह युद्ध में फिर क्या नाम है द्रोणाचार्य जी अपना हथियार डाल देते हैं और तो उनको मार दिया जाता है। ये युद्ध की कहानी है, ये पूरा कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। लेकिन वहाँ तो उसका अस्वस्थामा तो मरा नहीं है, और अस्वस्थामा नाम का जो व्यक्ति है वो क्या नाम है एकदम गुस्से में है, हम तो अब क्या नाम युद्ध का बदला लेंगे, हम तो अब ये करेंगे, और पूरी की पूरी कथा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो काय के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलते अंधायुग की, धर्मवीर भारती ने अंधायुग की रचना की है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब मैं बताऊँगा आपको तो उस अंधायुग के बारे में भी डिस्क्राइब करूँगा कि अंधायुग की मूल कहानी क्या है और वो क्यों लिखी गई थी और उसके पीछे क्या कारण था। साहित्य में बहुत सारे काव्य केवल काव्य मात्र नहीं होते हैं, वो उस वक्त की युगीन समाज का सच होता है। उस समय के समाज में जो भी व्यवस्थाएं चल रही होती हैं उन व्यवस्थाओं की बातें कर रहे होते हैं वो लोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के जस्ट बाद पढ़ेंगे अज्ञेय को, और अज्ञेय में भी किनको पढ़ेंगे हम, केवल पढ़ेंगे आंगन के द्वार पार असाध्य बीना जो है, आंगन के पार द्वार है ना, जो असाध्य बीना में है और साध्य बीना में है। आप लोगों में से जो भी हमारे आप लोगों में से जो भी साथी गए होंगे JNU में, तो JNU की अगर लाइब्रेरी में, अगर JNU के लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी जो है, सेंट्रल लाइब्रेरी के में जब जाइएगा और सेंट्रल लाइब्रेरी से जो धौलपुर हाउस की तरफ जाइएगा, यानी कि लाइब्रेरी के जस्ट पीछे जो कैंटीन की, जहाँ कैंटीन है, तो लाइब्रेरी के ही दीवार पर आप देखिएगा कि अज्ञे की एक कविता असाध्य बीना का, जो आंगन एक द्वार पार के पार की कविता को पूरे उस पर लिखा गया है, और तब जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे उसको अपने वर्तमान समाज से। जो भी दोस्त गए होंगे JNU तो उनको यह मालूम होगा। खैर, तो मैं अभी आगे के बारे में बता रहा था कि आंगन के द्वार पार पढ़ना है, जिसमें आपको असाध्य बीना पढ़नी है, और उसके बाद आपको पढ़ना है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध में भी कौन सी रचना पढ़नी है, मुक्तिबोध
मुक्ति बोध नहीं पढ़ना है, ब्रह्म राक्षस है ना, हमको पढ़ना है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। और जब मैं इसको पढ़ाऊंगा मुक्ति बोध को, तो बताऊंगा कि मुक्ति बोध किस धारा के कवि हैं, उनमें उनकी रचनाओं पर किस प्रकार के वैचारिकता का प्रभाव है, उस वैचारिकता के संदर्भ में आप ब्रह्म राक्षस को पढ़ेंगे। उसके बाद है नागार्जुन, 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 और नागार्जुन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, घ है ये, घ, घिरते देखा है और अकाल, और उसके बाद अकाल, और उसके बाद और उनकी तीसरी जो रचना पढ़नी है वह है हरिजन गाथा, हरिजन गाथा। जब मैं आप लोगों को वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम पेपर के बारे में जब मैं आप लोगों को बता रहा था, तो उस वक्त मैंने नागार्जुन की एक कविता का उल्लेख किया था, अकाल और उसके बाद। जब आप इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जो जो समस्या नागार्जुन के समय में थी, भारतीय समाज में आज भी वही समस्या, उसी तरह की समस्या आज भी विद्यमान है, चाहे वो शैक्षणिक क्या नाम है संस्थान हो या भारत के समाज का, भारत का समाज हो, दोनों ही जगहों पे आप देखेंगे, दोनों जगहों पे आप देखेंगे और उस पाएंगे कि क्या नाम है अकाल और उसके बाद की स्थिति क्या है। तो बन अकाल को उन्होंने एक बिंब के रूप में रखा, प्रतीक के रूप में रखा है, लेकिन उस प्रतीक के माध्यम से कभी कुछ और कहना चाह रहा है। तो जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा पढ़ाने के दौरान, तो मैं इसके बारे में बहुत मतलब विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करूंगा कि आपको क्या जानना इसमें जरूरी है और क्या नहीं जानना जरूरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो नागार्जुन को हम देखेंगे, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और हरिजन गाथा, इनकी तीन रचना है और तीनों रचनाओं को पढ़ेंगे। नागार्जुन किस तरह लिख रहे थे, नागार्जुन में किस, नागार्जुन के काव्य में किस तरह का प्रभाव है, उनकी वैचारिकता क्या है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे हम उसमें। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य, इसके खंड ख में आज हम आते हैं, तो गद्य साहित्य के बारे में पढ़ते हैं हम। ये तो पद्य साहित्य था, पद्य साहित्य के बारे में हमने अभी पढ़ाई की, मैंने जाना हम लोगों ने कि पद्य साहित्य में हमें किन किन रचनाकारों को पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कौन कौन सी उनकी रचना पढ़नी है, वो रचना का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, अगर हम पढ़ते हैं तो उसको आज के ब्यूरोक्रेसी में, आज के प्रशासनिक जो सिनेरियो है, यानी कि प्रशासनिक जो स्थिति है, उस प्रशासन में उसका किस तरह का उपयोग है, और उसको हम आम जनता से जोड़ कर या प्रशासन की नीतियों से जोड़ कर किस प्रकार देख सकते हैं, इसके बारे में हम ने आज जाना गद्य साहित्य के माध्यम से। अब हम सॉरी पद्य साहित्य के माध्यम से अब हम पढ़ेंगे खंड ख में, खंड ख में होगा, खंड ख में होगा गद्य साहित्य। और मैंने कहा कि गद्य साहित्य का अर्थ होता है, गद्य साहित्य का अर्थ होता है गद्य साहित्य का अर्थ होता है कहानी, कथा, रिपोर्टाज है ना, उपन्यास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गद्य साहित्य के अंदर हम पढ़ेंगे भारतेंदु के, पहले पढ़ेंगे हम किन को, भारतेंदु, भारतेंदु, भारतेंदु को पढ़ेंगे। भारतेंदु में ही पढ़ेंगे हम किसको, भारत दुर्दशा को। भारतेंदु ने बहुत कविताएं, नाटक लिखी है, लेकिन भारतेंदु मंडल के मुझे मंडल में से हम केवल भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ही पढ़ेंगे है ना।
भारत दुर्दशा को पढ़ेंगे हम। जब आप पढ़ेंगे इसको तो भारतेंदु के भारतेंदु मतलब, और एक अच्छी बात यह है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के अलग अलग कालखंडों में किस तरह के जो मैंने जो राइटर जब लोग जब लिख रहे जो कवि लिख रहे थे साहित्यकार जो लिख रहे थे वो किस किस विचारधारा के आधार पर लिख रहे थे, किस किस विचारधारा उसमें क्या वैचारिकता मैंने किस तरह की विचारधारा उसमें समाहित था उनके काव्य में, उनकी क्या नाम है कहानियों में, उनके नाटकों में, उनके कांगियों में या उनके रेखाचित्र में या संस्मरण में, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि जब इस सिलेबस को ड्राफ्ट किया गया है तो ड्राफ्ट करने के दौरान ये देखा गया है कि मैंने यह ध्यान रखा गया है, जब इस सिलेबस को जब भारतेंदु मंडल के पूरे कालखंड को या उनके भारतेंदु मंडल के जो कवियों के बारे में या रचनाकारों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भारतेंदु के माध्यम से ही पढ़ेंगे, तो भारतेंदु के जो काल का जो समय है वो भारतेंदु कालखंड के नाम से जाना जाता है। और साहित्य में क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, प्रेमचंदोत्तर काल और प्रेमचंद्र काल, कि प्रेमचंद्र का जो काल है उस वक्त किस तरह लिखा जा रहा था और प्रेमचंद्र के बाद के कालखंड में किस तरह लिखा रहा था। भारतेंदु काल और भारतेंदुत्तर काल मैंने भारतेंदु के बाद का जो काल है उसमें किस तरह लिखा जा रहा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद के कालखंड में हम पढ़ते हैं प्रसाद मैंने जयशंकर प्रसाद का काल और उसके बाद का जो कालखंड है उस कालखंड में किस तरह लिखा गया है, तो हम मैंने इसके माध्यम से हम पूरे के पूरी यात्रा मतलब साहित्य की पूरी यात्रा को हम तय करते हैं। जो भारत की दुर्दशा के पीछे अंग्रेज की कौन सी नीति है और वो कौन सा वैसा नीति है जब जिसके कारण भारत की दुर्दशा है, ये बताया गया है इस रचना में। जब आप मैंने फर्स्ट पेपर को जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था, जब मैं फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा कर रहा था, तो फर्स्ट पेपर के बारे में बताया था कि जब मैं आपको जब साहित्य पढ़ाऊंगा तो उस वक्त का समाज मैंने जो मुख्य धारा का जो इतिहास है उस मुख्य धारा के इतिहास के बारे में बात करूंगा, मुख्य धारा के इतिहास में क्या कंडीशन है। आप पढ़े होंगे दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत लिखा था कि यहाँ जो है भारत से जो धन है भारत से धन लेकर के अंग्रेज लोग लेके जा रहे हैं और वहाँ टेम्स नदी में एक बड़ा प्रसिद्ध सेंटेंस है उसमें कि गंगा से जो लिया जाता है गंगा का जल जो है टेम्स में उड़ेला जाता है, यानी कि गंगा जो है भारत की नदी है और टेम्स जो है अभी जो आधुनिक क्या नाम है ये ब्रिटेन है उस ब्रिटेन के पास वो नदी है। तो गंगा से गंगा के जल को अर्थात जल को यहाँ पानी मत समझिएगा कि गंगा का संदर्भ यहाँ है कि भारत के संसाधनों को लेकर के ब्रिटेन को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ब्रिटेन के समाज को, और यहाँ से यहाँ भारत का जो भारत में विभिन्न प्रकार का टैक्स लगा करके भारतीय लोगों का जीवन जो है वो बड़ा कष्टमय कर दिया गया है, बड़ा कष्टकारी स्थिति में वो लोग हैं। और इसके पीछे भारत दुर्दशा के पीछे सरकार की कौन कौन सी नीतियाँ जो है भारत की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे मोहन राकेश ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन हमको पढ़ना है मोहन राकेश के बारे में। ये एक नाटक है मोहन राकेश, और मोहन राकेश की इस नाटक में हम पढ़ेंगे किसको, तो पढ़ेंगे हम आषाढ़ का एक दिन। और मुझे याद है कि मैंने जब फर्स्ट पेपर का जब मैं बता रहा था तो मैंने ये कहा था कि आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहन राकेश के व्यक्तिगत जीवन से ये रिलेटेड है आषाढ़ का एक दिन, जबकि मोहन राकेश ने इस नाटक में मूल आधार बनाया है कालिदास को, विलोम को और मालविका को। मालविका कालिदास से प्रेम करती है, कालिदास जो है वो एक बड़ा रचनाकार बनना चाहता है, नाम और समाज में नाम पाना चाहता है, मतलब आप सभी के जीवन में ऐसा होता है कि नेम और फेम होना चाहता है,
फिर उसको राजसत्ता मिलती है और कश्मीर का राजा बन जाता है। कश्मीर के राजा बनने के एवज में उसे कश्मीर की राजकुमारी से विवाह करना पड़ता है। विवाह करने के बाद वो मालविका को भूल जाता है। मालविका को भूल जाने के बाद जब वो कष्ट वाले जीवन में होता है तब तो मालविका से प्रेम करता है, लेकिन जब जैसे ही उसको उसकी स्थिति बदलती है, जब वो राजसत्ता को पाता है, राजसत्ता को पाने के बाद जो मालविका को जब भूल जाती है तो मालविका अंततः फिर विलोम से विवाह करती है। और यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिदास क्या है, एक असफल विलोम, और विलोम क्या है, एक असफल कालिदास। अर्थात जब आप इसको ये जब आषाढ़ के एक दिन को पढ़ेंगे तो उसको अपनी ज़िंदगी से आप रिलेट कर पाएंगे, उसकी अपनी ज़िंदगी से उसको आप जोड़ कर देख पाएंगे कि हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कि हम योग्य होते हैं, हमारे अंदर क्या नाम है भरपूर शक्ति होती है, ऊर्जा होता है, हम कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, नाम कमाना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, कुछ ऐसा समय के साथ या नियति के साथ कुछ गलती ऐसी होती है कि फिर हम वो नहीं बन पाते हैं और अंततः हम एवरेज होकर रह जाते हैं। तो एवरेज हो जाना विलोम भी लिख रहा था, लेकिन विलोम को तो राजसत्ता नहीं मिलती है, कालिदास को राजसत्ता मिलता है। राजसत्ता के एवज में मिलता है कश्मीर का राज, और कश्मीर के राज के एवज में मिलता क्या है, कश्मीर की राजकुमारी से विवाह होता है उसका। इधर मालविका जो उससे प्रेम करती है उसकी रचनाओं को पढ़ती रहती है, तो वहाँ पर एक जगह कालिदास जब आता है वापस और बड़ा नाटकीय स्टाइल, क्योंकि नाटक ही लिखा जाता है नाटकीय स्टाइल में, जब अंतिम का दृश्य ही जो है उसमें कालिदास कहते हैं, जब मालविका कहती है कि तुम मुझसे दूर थे लेकिन मैंने तुम्हारी हर रचना को पढ़ा है, तो कालिदास बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि अरे भाई क्या नाम है मेरी रचना को इस ग्राम प्रांतर में अर्थात छोटे से गाँव में कहाँ से आता है। तो बोलती है कि यहाँ से जो व्यापारी लोग जाते हैं बाहर तो उनको मैं पैसा देती हूँ और वो जो है बाजार से वो किताब को लेके आ जाते हैं, तो बाजार से किताब को जब लाते हैं वो तो मैं उस आधार पर मैं रचना पढ़ता हूँ। तो रचना को पढ़ने के संदर्भ में मैं इस तरह आपको याद करता हूँ, तुम उससे दूर रहे किंतु मैं तुमसे दूर नहीं थी। तो कालिदास कहता है कि मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ, तो वहाँ मालविका कहती कि अब यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि कालिदास जब सक्षम था तब तो मालविका को भूल चुका था, लेकिन बाद में उसको अपने एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है अर्थात अपने पूर्व प्रेमी प्रेमिका की याद आती है और कहता है कि मैं पुनः आरंभ करना चाहता हूँ। तब तक तो मालविका विवाह विलोम से हो गया रहता है और विलोम से उसको एक पुत्री मिल गई रहती है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं कारण कि आज समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो उसके बाद हम फिर डिस्क्राइब में चर्चा करेंगे। तीसरा पढ़ेंगे हम रामचंद्र शुक्ल जी को और शुक्ल जी के संदर्भ में पढ़ेंगे चिंतामणि भाग एक, उसमें पढ़ेंगे कविता क्या है श्रद्धा और भक्ति। कविता क्या है ये निबंध है एक्चुअली, कविता क्या है और पढ़ेंगे उसके बाद हम श्रद्धा और भक्ति, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम निबंध निलय पढ़ेंगे। निबंध निलय में हम बात करेंगे जो डॉक्टर सत्येंद्र है उनके बारे में, तो प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ेंगे, बालकृष्ण भट्टा के बारे में पढ़ेंगे, उपन्यास में हमको पढ़ना होगा प्रेमचंद्र के गोदान को पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम गोदान, और गोदान के साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रसाद का स्कंदगुप्त। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यूपीएससी में जो जयशंकर प्रसाद है उसके उनकी जो नाटक है वो स्कंदगुप्त को रखा गया है, लेकिन
बीपीएससी में उनके दूसरे नाटक चंद्रगुप्त को रखा गया है। तो बीपीएससी में मैंने प्रसाद जयशंकर प्रसाद जो है उसके स्कंदगुप्त की बात हो रही है और बीपीएससी में चंद्रगुप्त की बात हो रही है, तो हम इतना जान लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम यशपाल की रचना है दिव्या, जो मैंने बताया था आपको पहले पेपर में भी और आज ही बता रहा हूँ कि यशपाल में हम दिव्या को पढ़ेंगे, दिव्या। फिर हम पढ़ेंगे फरीसरा रेणु के मैलांचल को, मैलांचल को पढ़ेंगे हम, रेणु जी के मैलांचल को, जिसको आंचलिक उपन्यास की प्रतिनिधि उपन्यास कहा जाता है। तो मैलांचल, और फरीसरा रेणु बोलते भी हैं कि मैंने मेरीगंज यानी कि पूर्णिया के उस जगह को, हमने केवल अंचल को ही अपना नायक बनाया है, लेकिन मूलतः वह नायक मैंने किसी को नायक बनाया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सभी नायक है, वो अंचल ही नायक है। तो जब इस मैलांचल को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि भारत के समाज में जो दूर देहात का जो समाज है, उस समाज में किस तरह की समस्याएँ, किस तरह का अंधविश्वास है, किस तरह की कुरूतियाँ हैं, धर्म जाति इत्यादि के आधार पर, लैंगिक आधार पर किस तरह का की जो कुरूतियाँ हैं उन मैलांचल में उन पर बात की गई है। फिर हम पढ़ेंगे मन्नू भंडारी की जो प्रसिद्ध मन्नू भंडारी एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, ये हिंदी साहित्य की प्रोफेसर थी, और इनकी जो कहानी है महाभोज को हम पढ़ेंगे। और मैंने आज इस सेशन के शुरुआत में ही कहा था कि महाभोज को जब आप पढ़ेंगे तब आप एसपी सक्सेना को याद करेंगे, एसपी सक्सेना को याद करेंगे तो भारत का जो उत्तर भारतीय पूरे भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह लोगों को टारगेट किया जाता है और किस तरह चीज़ों को बदल दी जाती है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। और वहाँ पर जो ईमानदार एसपी होते हैं, अर्थात जो ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है डीजीपी के माध्यम के द्वारा, प्लस मुख्यमंत्री के द्वारा उनको किस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, ये सब कुछ आपको यहाँ इस महाबोध के माध्यम से आप समझेंगे। और अंत में है राजेंद्र यादव की, जो मनु भंडारी जी की पत्नी रही है, उन्हीं राजेंद्र यादव की पढ़नी है। राजेंद्र यादव की पत्नी थी मनु भंडारी, हालांकि ये अपना खुद का अपना नाम था, ये मिरांडा हाउस में पढ़ाती थी, दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में। एक दुनिया समानांतर और इनकी सभी कहानियों को पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे हम चीफ की दावत को जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम जो हमारे वर्तमान पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में क्या द्वंद्व है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि समय की अपनी सीमा है तो मुझे आज यही समाप्त करना पड़ेगा। तो आपका आज द्वितीय प्रश्न पत्र का पूरा कि मैंने पूरी व्याख्या कर दी है। कल से हम लोग फिर अब नियमित कक्षा लेंगे, तो कल से हम लोग फिर प्रश्न पत्र एक से शुरू करेंगे और फिर हम पूरा यहाँ तक आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों को आदर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।